इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। दोस्तों क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिसेस शर्मा को सुबह उठकर पता चलता है कि उनके पर्स से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। उनके घर पर केवल 14 साल के दो बेटे और 16 साल की बेटी थी। मिसेस शर्मा कहती है, ये काम मेरे तीनों बच्चों में से किसी एक ने ही किया है। उन्होंने उनमें से हर एक से पूछा कि वो कल रात क्या क्या कर रहे थे। नेहा कहती है, मैं तो रात का खाना खाने के बाद तुरंत ही सोने चली गई थी। राहुल कहता है, मैं तो उस समय ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। अमित कहता है, मैं तो उस समय अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नाइट क्लब गया था। तीनों की बात सुनने के बाद मिसेस शर्मा को तुरंत पता चल जाता है कि इनमें से ही कोई एक है जो झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि किसने मिसेस शर्मा के पैसे चुराए हैं और कौन झूठ बोल रहा है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। मिसेस शर्मा के पैसे अमित ने चुराए हैं। अमित ने झूठ कहा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नाइट क्लब गया था। लेकिन अमित नाइट क्लब कैसे जा सकता है क्योंकि वो तो बस 14 साल का ही है। इसका मतलब अमित ने ही पैसे चुराए हैं। दोस्तों अगर आपको ये पहेली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है।
दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी वो कौन सी आवाज है जिसे आपके अलावा सभी सुन सकते हैं? इस पहले का जवाब है आपके खर्राटे की आवाज। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, ये कौन सी फिल्म है, और इस सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, उन सबका धन्यवाद। लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। उनमें से पहले 6 लोगों के नाम हैं प्रवेश, हफ्सा परवीन, सुखजिंदर पाल सिंह, रीना देवी, अक्षरा और गोपाल कृष्णन। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, इस इमेज को ध्यान से देखकर बताइए ये कौन सी फिल्म है? दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जिसमें 2 इमेजेस को मिलाकर किसी एक वाहन का नाम बनता है। तो क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि उस वाहन का नाम क्या है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? अगर नहीं किया तो आप अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पहली इमेज में दिख रहा है एक चाय का कप, मतलब टी, और दूसरी इमेज में दिख रही है बरसात, मतलब रेन। तो इन दोनों इमेजेस को मिलाकर, मतलब टी और रेन को मिलाकर, बनता है ट्रेन, जो कि एक वाहन का नाम है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब कमेंट किया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ऐसी मजेदार वीडियो ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।